हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रांजलि और आप देख रहे हैं प्रांजलिज ऑर्गेनिक गार्डनिंग। बात करते हैं एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में जो बहुत अच्छे फूल देगा, वो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। और देखते हैं वो कौन सा है। तो ये है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो मैं बता रही थी आपको। ये है आपकी कोकोनट केक, जो कोकोनट ऑयल निकलने के बाद रह जाता है उसे बोलते हैं कोकोनट केक। तो ये आपको कोई भी कच्ची घानी या कोई नर्सरी में मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा आपको फूल देगा। इसे यूज़ करना सेम है जैसे कि हमने सरसों की खल को यूज़ किया था। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाती हूँ कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो ये है आपकी सरसों की खली। तो इसका मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि कैसे फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइजर बना के पौधों में देते हैं। आज हम देखते हैं कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो सिमिलर है दोस्तों, आपको पानी लेना है जस्ट उसे भिगोने के लिए। तो ये आपने पूरा इसमें डाल देना है और ये डालने के बाद इसे करीब करीब 1 दिन के लिए भिगो के रखना है। और कल मैं इसे भिगोने के बाद अच्छी तरह से डाइल्यूट कर दूंगी। ये पूरा केक इसमें मिल जाएगा। मैं इसे करीब करीब 20 लीटर पानी में मिक्स करके, इतना ज़्यादा डाइल्यूट करके अपने पौधों में दूंगी। और इसे देने के लिए आपको टाइम चाहिए सुबह का और या तो फिर शाम का। ये कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स में या फिर फलों या सब्जियों की प्लांट्स में आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। बस हाँ, इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, सेम एज सरसों खली। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र होते हैं, इन्हें बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट, जैसे कि पौधों में बस 0.5% इतना ही पहुँच सके, इतना ज़्यादा डाइल्यूट करना है। आपने देखा कितना छोटा मैंने लिया था। और अब इसे मैं 20 लीटर्स पानी में मिक्स करके पौधों में दूंगी। तो सरसों की खल भी ऐसे ही यूज़ करना है सेम। इसे आप सरसों की खल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसे इस दोनों दोनों को साथ ही यूज़ करना चाहती हूँ। तो मैं इसे दोनों को मिक्स करके फिर इसे भिगो के और कल जाके इसे 20 लीटर्स पानी में मिक्स करके दूंगी। तो ये था आज का फर्टिलाइज़र का यूज़। और इसे बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलता है पौधों में। ये फूलों वाले पौधों में कितने सारे अभी फूल आ रहे हैं। टमाटोज में देखिए कितने सारे टमाटर लगे हैं। ये गेंदे के फूल पे भी जैसे देख सकते हैं कितने सारे फूल खिले हुए हैं। बोगनवेला भी खिल रहा है, हमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये था आज के फर्टिलाइजर के बारे में। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।